हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस। आई एम योर मेंटर रामबाई यादव। लर्नर्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 5 द बॉल पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पोएम चैप्टर नंबर 3 के बाद दी हुई है और इसके पोएट हैं जॉन बैरीमैन। लर्नर्स, देखने से तो ये पोएम बड़ी ही सिंपल दिखती है कि किसी बॉल की कहानी होगी, किसी गेंद की कहानी होगी, लेकिन ये जो कहानी है एक्चुअल में, यहाँ बॉल एक सिंबॉलिक वर्ड यूज किया गया है। यहाँ बॉल एक सिंबल है। ये सिंबल किस चीज़ का है? ये सिंबल है वर्ल्डली पोजेशंस का। जो चीज़ हमारे पास होती है उनका एक सिंबल है, और ये एक छोटे बच्चे की इनोसेंस का भी सिंबल है। जैसे बच्चा बचपन में छोटी बॉल से खेलता है, फिर वो गुम हो जाती है, और उसको किस तरह की फीलिंग आती है, उसके थ्रू पोएट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइफ का लेसन सिखाना चाहते हैं कि जैसे उस बच्चे की बॉल गुम हो जाती है तो वो बड़ा दुखी होता है, लेकिन पोएट इस छोटे से लॉस के थ्रू उसको लाइफ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे लॉस तो होते रहते हैं, एंड वी शुड लर्न टू मूव ऑन। और दूसरी बात, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें, हम उनका केयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम, द बॉल पोएम। वट इज़ द बॉय नाउ Who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. देखिए क्या होता है कि पोएट एक बार देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बॉल से खेल रहा होता है और उसकी बॉल लुढ़कती हुई बड़ी तेजी से पानी में जाके गिर जाती है। तो उस बच्चे की मेंटल स्टेट को पोएट देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जो बच्चा जिसकी बॉल गुम हो गई है वो अब क्या करेगा? क्योंकि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे के लिए उसकी बॉल या उसका छोटा सा खिलौना एक उसका संसार होता है, उसके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो पोएट कहता है कि अब वो बच्चा क्या करने वाला है, हाउ इज़ गोइंग टू रिएक्ट, हाउ ही इज़ गोइंग टू रिट्रीव हिज बॉल, कि अपनी बॉल को वापस कैसे लाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा। वट इज ही टू डू, कि अब वो क्या करने वाला है। आई सो इट गो, अब पोएट कहते हैं कि आई सो इट, इट मीन्स बॉल, कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, कि वो बड़े खुशी से डाउन द स्ट्रीट मूव कर रही थी, चलती हुई जा रही थी। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वॉटर, और वेरी हैप्पीली इट देन वेंट इन टू द वॉटर, कि जो बॉल है बड़ी खुशी से जंप करती हुई पानी में जा गिरी। देखिए यहाँ पे बॉल ऐसे लग रहा है कि कोई एक इंसान हो, कोई बच्चा हो, जो बड़ी खुशी से नाचता हुआ झूमता हुआ जा रहा है और जाके पानी में गिर जाता है। तो यानी कि ऐसा लगता है कि ये कोई चीज नहीं, कोई इंसान है। तो अगर हम इस तरह का कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं परसोनिफिकेशन। तो अब हम बाकी के पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं। देखिए पहली और दूसरी लाइन व्हाट इज व्हाट, व्हाट वर्ड से स्टार्ट हो रही है तो ये होगा एनाफोरा। जब भी दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम वर्ड से या फ्रेजेस से स्टार्ट होती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ लाइन मैरिली मैरिली से स्टार्ट हो रही है तो ये भी क्या हो जाएंगी, एनाफोरा। अब देखिए सेकेंड लाइन, सेम लाइन में व्हाट व्हाट रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रेपिटिशन। अब देखिए फर्स्ट लाइन में ओ साउंड बड़ी प्रोमिनेंट है, वाई नाउ हु लॉस्ट, यानी कि जो वोवेल ओ है बड़ा ही प्रोमिनेंट है। इस तरह से अगर प्रोमिनेंट वोवल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। अब देखिए एक तरफ तो बच्चा है जो बड़ा उदास है बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, और दूसरी तरफ जो बॉल है ऐसे लग रहा है शी इज मैरिली बाउंसिंग, शी इज मैरिली गोइंग टू द वॉटर।
यानी दोनों सिचुएशंस बड़ी ही ऑपोजिट है, बड़ी ही कंट्रास्टिंग है, तो पोएट ने यहाँ पे कंट्रास्ट क्रिएट किया है। अब ये देखिए लाइन सेकंड एंड थर्ड, ये सेम थॉट कॉन्टिन्यूस रहता है, तो अगर इस तरह से सेम थॉट कॉन्टिन्यूस रहता है और लाइन के एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं आता, इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं इंजैममेंट। तो अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो चलिए देखते हैं पोएट क्या कहते हैं। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब देखिए पोएट ने बॉल को पानी में गिरते हुए देखा है और उसने देखा है कि बच्चा बड़ा दुखी है, लेकिन पोएट कहते हैं ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा कि ओ देर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी बॉल्स भी हैं, कि या तुम्हें दूसरी बॉल दिला देंगे, ये कहने से बच्चे को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, और उस बॉल के लॉस से बच्चे को एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है, यानी कि बच्चा बड़ा ही दुखी है, ही इज इन ग्रीफ, ही इज इन सोरो। फिक्सिस द बॉय मतलब कि ही इज नॉट एबल टू मूव फ्रॉम देयर, कि जैसे एक तरह से वहाँ पे जड़ हो गया है, बच्चा वहाँ से मूव नहीं कर पा रहा है दुख के मारे। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और ऐसा लगता है कि वो रिजिड हो गया है, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई है, उसका मूवमेंट रुक गया है। ट्रैम्बलिंग द चाइल्ड इज ट्रैम्बलिंग विद सोरो, दुख के मारे वो ट्रैम्बल कर रहा है, शेक कर रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे स्टेयर कर रहा है, घूर के देख रहा है जहाँ उसकी बॉल मूव करती हुई जा रही थी। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, हार्बर मीन्स पोर्ट, जहाँ पे शिप या बोट्स वगैरह को खड़ा करते हैं बंदरगाह। तो वो अब स्टेयर कर रहा है, देख रहा है कि जहाँ उसके सारे यंग डेज कहाँ चले जाते हैं, इन टू द हार्बर। ऐसा लग रहा है कि जो बॉल के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी थी वो भी सारी पानी में चली जाती है अलोंग विद द बॉल। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ की उसकी बॉल चली गई है, यानी कि बच्चे की जो बचपन है, एक तरह से इनोसेंस है, जो चाइल्डहुड इनोसेंस है, वो भी पानी में चला गया अलोंग विद द बॉल। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मीनिंग होता है कि टू इंटरफेयर इन अदर्स मैटर्स, कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर करना, कि मैं यहाँ जाके उस बच्चे को कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसको मीन्स इंट्रूड नहीं करूँगा। तो आई आई यहाँ पर है पोएट, एंड हिम कौन है, द बॉय। तो पोएट कहता है कि आई विल नॉट एंटर इन टू दिस सिचुएशन अ डाइम अनदर बॉल। डाइम क्या होता है, ये करेंसी होती है यूएस की, 1 डाइम में कितने होते हैं, 10 सेंट्स होते हैं। तो वो बॉल चाहे 1 डाइम की है, डाइम मीन्स एक छोटा अमाउंट है, अनदर बॉल इज वर्थलेस, और ये कहें कि हम आपको दूसरी बॉल दिला देंगे, ये कहना वर्थलेस है, ये कहना यूजलेस है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर रहा है इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, कि ये जो दुनिया है ये वर्ल्ड ऑफ पजेशंस है, कि यानी कि हम दुनिया में कुछ ना कुछ पजेस करते हैं, हमारी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें, हम उनका केयर करें। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमसे गुम हो जाएगी, हमसे दूर चली जाएगी, फिर हमें दुख होगा। तो एक तरह से पोएट इस बॉल के लॉस से बच्चों को ये लेसन सिखाना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब चीज़ें हमसे गुम होती हैं, हमसे बिछुड़ जाती हैं, या वो चीज़ें टूट फूट जाती हैं, तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस दुख को सहन करना भी आना चाहिए। तो ये मॉरल लेसन पोएट इस बॉल के थ्रू देना चाह रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं यहाँ पर। देखिए शेकिंग ग्रीफ, यहाँ पे देखिए ग्रीफ शेक नहीं करता है, शेक कौन करता है, बॉय करता है,
लेकिन जो शेकिंग एडजेक्टिव है ये यूज हुआ है नाउन ग्रीफ के साथ, होना चाहिए नाउन वाई के साथ। तो अगर इस तरह से एडजेक्टिव यूज होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसी तरह देखिए एग्जाम्बेंट के एग्जाम्पल्स, लाइन नंबर एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वे। तो ये तीनों लाइन के एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। तो इस तरह से अगर सेम थॉट कई लाइन्स में कंटिन्यू होता है विदाउट कॉमा फुल स्टॉप उसको बोलते हैं इंजेमेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो आगे पोएट कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स की मीन्स पीपल दे विल टेक बॉल्स। बॉल्स यहाँ पर सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक किसके हैं, पोजेशंस के, कि जो हम लाइफ में जो भी पोजेस करते हैं दे आर सिंबॉलिक ऑफ बॉल। तो इसको बोलेंगे सिंबोलिज्म। एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जिंदगी में जो भी हमारे पास पोजेशंस हैं वो मिसप्लेस होंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे लिटिल बॉय। तो लिटिल बॉय को एड्रेस करते हुए पोएट एक तरह से हम सबको ये मॉरल लेसन सिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास पोजेशंस हैं वो एक दिन मिसप्लेस हो जाएंगे, वो एक दिन गुम हो जाएंगे और हम उनको एज इट इज नहीं ला सकते वापस से। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी एक अगर बॉल गुम हो गई तो उसको वापस नहीं ला सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग द थिंग्स एज सच। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल मीन्स मनी इज ए वन ऑफ द एक्सटर्नल यू कैन से थिंग विद विच वी कैन परचेज द पोजेशंस। तो मनी एक तरह से फैक्टर है जिसके हेल्प से हम कोई भी पोजेशन ला सकते हैं, खरीद सकते हैं। ही इज लर्निंग, और वो ये लर्न कर रहा है, क्या लर्न कर रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपने डेस्परेट होपलेस आइज के पीछे वो ये सीख रहा है कि हम मनी से चीज़ें तो खरीद सकते हैं लेकिन उन चीज़ों के साथ जो मिसप्लेस हो गई है, जो गुम हो गई है, उनके साथ जुड़ी हुई जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे अटैचमेंट है, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। और क्या कि जो चीज़ें हम पोजेस करते हैं एक दिन वो गुम होनी ही है, और हमें आना चाहिए कि वी शुड लर्न हाउ टू टॉलरेट दैट लॉस। द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वी मस्ट लर्न द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टमोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इट सेल्फ, कि हमें जो ज्ञान की और विजडम की जो स्टडीज होती है दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टमोलॉजी। कि इसके थ्रू हम क्या सीख रहे हैं बॉल के लॉस के थ्रू, कि जो लॉस है उसको कैसे बियर किया जाए, ये हम इस छोटे से यू कैन से बॉल के थ्रू सीख रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग हाउ टू स्टैंड अप, कि जब हमें लाइफ में लॉस हो गया तो कैसे हमें बाउंस बैक करना है, हाउ वी हैव टू स्टैंड अप एंड मूव अहेड इन लाइफ। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि और हमें पता है कि हर इंसान को एक दिन इस बात का पता होना चाहिए, किस बात का, कि लाइफ में जो भी पोजेशंस हैं वो कभी गुम होंगे, कभी हमसे बिछुड़ जाएंगे, कभी हमसे दूर हो जाएंगे। तो वी मस्ट हैव द करेज टू बियर दैट लॉस, वी मस्ट हैव द करेज टू फेस द लाइफ आफ्टर दैट। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से तो लोग हैं दे टेक मैनी डेज टू यू कैन से कम टू द नॉर्मल सिचुएशन, हाउ टू स्टैंड अप कि मीन्स हाउ टू बाउंस बैक, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू बी नॉर्मल अगेन इन द लाइफ। तो कुछ लोग इसको जल्दी से बियर करना सीख जाते हैं और कुछ लोग इस लाइफ के छोटे से लेसन को सीखने में ज़्यादा समय लेते हैं। तो इस तरह से ये पोएम एंड होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस स्टैंजा में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। देखिए पहला है सिंबोलिज्म, बॉल यहाँ पे सिंबल है किसका, पोजेशंस का। नेक्स्ट देखिए एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में बॉल्स बॉल्स बी बी साउंड रिपीट हो रही है, उसके बाद बायज
बॉल बैक, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। इसके बाद मैन मस्ट, तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं एलिट्रेशन के। इसके अलावा इस स्टेंजा में इंजेमेंट देखिए, दिस लाइन द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, ये लाइंस विदाउट एनी कॉमा फुल स्टॉप कंटिन्यू हो रही है, तो दिस इज इंजेमेंट। पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं लर्नर्स। देखिए लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन बोल गो देन वॉटर बोल्स बॉय, मीन्स हर लाइन डिफरेंट चल रही है, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। इट मीन्स इस पोएम में राइम स्कीम कोई नहीं है, इसको बोलते हैं फ्री वर्स। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। सो इसके साथ ही पोएम एंड होती है। आई होप कि लर्नर्स आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड और लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।